दिल्ली शराब घोटाला मामले में स्वघोषित कट्टर ईमानदार पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को जहां सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई, वहीं ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया है, जिसके बाद अब भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि आबकारी नीति क्यों बदली गई। उन्होंने कहा कि क्या मंत्री समूह की बैठक का कोई रिकॉर्ड है, टैक्स की दर 12% तक क्यों बढ़ाई गई? अगर पॉलिसी अच्छी और कारगर मानी गई थी तो उसे महज 10 महीने में ही खत्म क्यों कर दिया गया? कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? अन्ना आंदोलन के समय आपके सहयोगी रहे लोग अलग क्यों हो गए? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है, जबकि हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है। कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या इनसे केंद्र सरकार ने कहा था? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश के लोकतंत्र और देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी सदस्य बार बार कहते थे कि यह मामला फर्जी है। इस मामले में मनीष सिसोदिया बीती फरवरी से जेल में है। उनकी जमानत अर्जी पहले लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस महाघोटाले के स्पष्टीकरण में एक भी शब्द नहीं कहा। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो 2 नवंबर को जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश हों। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत समन जारी किया गया है।